विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में पंजाब के एक श्रद्धालु ने पूजा अर्चना के लिए बर्तन दान के रूप में दिए। एसडीएम धनवीर ठाकुर ने बताया कि ज्वाला माँ के जो पूजा अर्चना के पुराने बर्तन थे उन्हें रिचेंज करके पंजाब के श्रद्धालु धर्मपाल अग्रवाल ने नए बर्तन दिए। उन्होंने माता की पूजा अर्चना के लिए 10.5 किलो शुद्ध चांदी के बर्तन दान के रूप में दिए। आज हमारे माता के जो पुराने बर्तन थे उनकी हमने रीचेंज करके एक श्रद्धालु ने हमें दिए, जो कि 10.5 किलो हैं। ये हमारे धर्मपाल अग्रवाल जी हैं, जो कि पंजाब के निवासी हैं। हम बहुत आभारी हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और हम आज हमने जो है उन बर्तनों का पूजन भी किया, और भी एक पूजन किया है माँ के दरबार में। ये इसलिए भी पूजन हम कर रहे हैं कि जो कोरोना महामारी का एक दौर यहाँ पे चला है, इससे माँ इस सबका छुटकारा है। प्रथम मैं सबको नववर्ष की बधाई भी देता हूँ, जो नया साल हमारा आ रहा है। और श्रद्धालुओं के लिए हमने जो नया वर्ष है, मंदिर जो है वो टाइमिंग जो है वो शाम को 9-10 बजे तक खुला रहेगा रात को, और सुबह का जो टाइम है वही रहेगा। और सभी लाइन में लगे रहेंगे और अपना दर्शन करते रहेंगे और माँ के अपना आशीर्वाद लेते रहेंगे। थैंक यू। ज्वालामुखी मंदिर में पुजारी अवनेन्द्र शर्मा व पुजारी राजन शर्मा ने एसडीएम धनवीर ठाकुर से पूजा अर्चना के बर्तनों की विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करवाई। उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि जिस श्रद्धालु ने माता के पूजा अर्चना के बर्तन दान के रूप में दिए, ज्वाला माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, और ज्वाला माँ से प्रार्थना की कि जो आजकल कोरोना महामारी का दौर चला हुआ है उससे पूरे विश्व को जल्द से जल्द छुटकारा दिलवाए। उन्होंने इस अवसर पर देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध कर लिए हैं। सभी श्रद्धालुओं को लाइनों में ही दर्शन करवाए जाएंगे। पीआरटीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।